लोग सुनेंगे? यस। से सुनना yes, एक जंगल की कहानी है। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे जानवर भी होते हैं और बहुत सारे पशु पक्षी भी होते हैं। वो कौवा किसी ने देखा है? yes, कौवा कौन से रंग का होता है और बोलता क्या है? अच्छा, तो कौवा जो था वो जंगल में उड़ रहा था तो क्या बोल रहा था? क्या लग गई? प्यास। जब प्यास लगती है तो क्या चाहिए होता है? पानी। अब उसे पानी नहीं मिल रहा था कहीं। वो सब जगह ढूंढ रहा था, पानी क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी। क्या थी? गर्मी। और कौवा पानी कहाँ से पीता है? तालाब से पीता है, नल से पीता है, कुएं से पीता है। पीता है। और किसी के आंगन में अगर पानी रखा होता है तो उसकी बाल्टी से भी तो पी लेता है। कौवे को कहीं जंगल में कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। फिर उसने एक मटका देखा। क्या देखा? मटका। मटके में इतना सा पानी था। कितना पानी था? इतना। अब कौवे की चोंच पानी में कैसे जाती? कौवे ने जब चोंच डाली तो पानी इतना नीचे, चोंच यहीं पर अटक गई। अब कौवा खूब जोर जोर से फिर काऊ काऊ करने लगा। तभी उसने देखा आसपास में बहुत सारे कंकड़ पड़े हैं। क्या देखा? कंकड़। कहाँ पे है कंकड़? ये मटके के पास। मटके के आसपास में क्या पड़े थे? कंकड़। कौवे के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन कंकड़ को उठा उठा के मटके में डाल दूं। और क्यों डाल रहा था वो? पानी डाला। फिर दो कंकड़ ऐसे करते करते उसने इतने सारे कंकड़ अपनी चोंच से उठा उठा के मटके में डाल दिया। और फिर पानी ऊपर आ गया और कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली। कौवे का मन खुश हो गया। अरे वाह, मेरी तो प्यास ही बुझ गई है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिली कि अगर हम मेहनत और बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम किसी भी समस्या से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। कौवे को लगी थी प्यास और उसको मिला थोड़ा सा पानी, तो उसने कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर कर लिया और अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से उसने पानी पी के अपनी प्यास बुझा ली। कौन कौन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा? और बुद्धि का इस्तेमाल किस चीज में करना है? हर समस्या को सुलझाने में बुद्धि।